के सामने है। जिन बच्चियों का भी नाम आए वो आकर के इनाम हासिल करेंगे, और जिनका नाम ना आए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करने की ज़रूरत है। इस दुनिया में आए हैं, लगन कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छी तालीम हासिल कीजिए, और ख्याल रहे कि इससे अच्छा हमेशा बनना है। इस ख्याल को लेकर के हमेशा आगे बढ़ना है। कुरान करीम के जिन्होंने भी इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लिया कुरान करीम को सुनाने के लिए, तिलावत करने के लिए, उन बच्चियों में और उन बच्चों में सबसे अच्छे अंदाज से जो कुरान करीम की तिलावत की है और जो हमारे मुमतहिन को अच्छा लगा है वो हमारे सामने है, और वो है इस्मत परवीन बिनते एजाज। आप आएँ और हज़रत मुफ्ती साहब के हाथों से इनाम वसूल करें। मुफ्ती साहब अपने हाथ से इनाम बच्ची को देंगे और दुआ दें कि अल्लाह इस बच्ची को और ज़्यादा इल्म से नवाजें। इन्होंने सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कुरान करीम सुनाया है आप तमाम सामईन के सामने और इन तमाम बच्चों में। फिर उसके बाद आ रहे नात पाक पेश करने के लिए जो जिन बच्चियों को बुलाया गया था आ रहे हैं। कमरे में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। नात पाक में पढ़ने में जिन बच्चियों ने भी हिस्सा लिया था उनमें सबसे अच्छा अंदाज से पढ़ने वाली है इरम परवीन बिनते मोहम्मद नसीम। ये अव्वल पोजीशन लाई है, सबसे बेस्ट पढ़ी है, अच्छे अंदाज से पढ़ी है, गोया इसे मकतब की जानिब से इनाम से नवाजा जा रहा है। और इनाम हज़रत क़ारी अब्दुल क़य्यूम साहब नाज़िम तालीमात इक़रा अपने हाथों से इस बच्ची को इनाम देंगे और दुआ देंगे कि अल्लाह ताला इस बच्ची को हर लाइन में खुशियाँ अता फरमाए। तकरीर में चूँकि तकरीर का प्रोग्राम कुछ मायूस कुन रहा है, उसमें अच्छा पेश करने वाले मोहम्मद समीरुद्दीन है जो अव्वल पोजीशन हासिल किया है। समीरुद्दीन आप आएँ और इकरा के सदर जनाब क़ारी उबैदुल्ला साहब के हाथ से इनाम हासिल करें। समीर अच्छे अंदाज से तकरीर पेश की है इन्होंने। इसके बाद हदीस पाक को सुनाने में जो अंदाज है, जो अल्फाज की तलफ़ुज़ है, उसकी अदायगी के साथ सुनाया है और हमारे मुमतहिन को जो बेस्ट लगा है, अच्छा लगा है, वो सना परवीन बिनते सिकंदर। आप आएँ और अख्तर साहब के हाथों से इनाम हासिल करें और दुआ हासिल करें। इसके बाद सुन्नत व फ़राइज़ में जो अच्छे अंदाज से सुनाए हैं वो है मोहम्मद रैहान, जो इन तमाम लड़कों में और लड़कियों में बेस्ट अंदाज, बेस्ट याददाश्त के साथ बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ पेश किया है। वो है ये अव्वल पोजीशन मोहम्मद रैहान अंसर अली, जनाब अंजर अली के हाथों से इनाम हासिल करेंगे मोहम्मद रैहान। इनसे दुआएं लें, खुदावंद कुदूस तमाम बच्चियों को ऑनलाइन में अच्छे प्रोग्राम पेश करने की कोशिश और सही अता फरमाए। इसके बाद फिर मैं मसनून दुआ की फहरिस्त में देखते हैं तो उसमें सबसे अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली है रमशा परवीन। आप आएँ और अमीकुर रहमान मास्टर, जो इकरा के मास्टर हैं, जो इकरा में तालीम देते हैं, अमीकुर रहमान साहब के हाथों से इनाम हासिल करें। रमशा परवीन बिन तौकीर ये इन बच्चियों ने गोया हिस्सा लिया और पोजीशन हासिल की, बेस्ट अच्छे अंदाज से पढ़े, बहुत ही मुबारकबाद है।
अल्लाह हर लाइन में तरक्की नसीब फरमाए। इसके बाद हमारे उस्ताद जो इकरा में रह करके